Assalamualaikum students, how are you? I hope you will be fine at your home. Students, I am your main teacher and I will give you the lecture of class 5. This is your math book of class 5, Maths 5. And today is our second lecture of Maths. In the last lecture, I told you about the HCF and I told you in the next lecture, I give you the lecture about the LCM. So students, first of all, हम थोड़ा सा LCM को भी recall करेंगे ताकि हम LCM की तरफ आएं. Okay? क्योंकि LCM और HCF जो है एक दूसरे से relationship में ही होते हैं. First of all, मैंने आपको last lecture में ये बताया था कि HCF जो है वो मैंने आपको बताया था कि कौन सा मेथड बताया था HCF का बाय लिस्टिंग द फैक्टर्स. मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहती हूँ बेटा. ये देखिए, आई हैव रिटन हियर यूनिट नंबर 3 HCF एंड LCM एंड टुडे वी रन द एक्सरसाइज नंबर 6 to 9. HCF कितने मेथड होते हैं HCF जो है फाइंड आउट करने HCF को फाइंड आउट करने के लिए बाय लिस्टिंग द फैक्टर्स वन मेथड, सेकंड बाय प्राइम फैक्टराइजेशन एंड बाय लॉन्ग डिविजन मेथड. इन दिस वे द LCM आल्सो बाय लिस्टिंग द मल्टीपल्स, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड बाय डिविजन मेथड. ओके स्टूडेंट्स, अब हम अंडरस्टैंड करेंगे ये मेथड जो होते हैं ये किस किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, किस किस तरीके से जो है क्वेश्चन को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट HCF जो है आपके पास दिस इज बुक ऑफ मैथ्स एंड एक्सरसाइज नंबर 3. दिस इज एक्सरसाइज नंबर 3. इन द लास्ट लेक्चर आई टोल्ड यू अबाउट एक्सरसाइज नंबर 3. आई हैव फाइंड द HCF ऑफ दिस पेयर बाय लिस्टिंग द फैक्टर्स. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई हैव द नंबर 20 and 25. और हमें ये कहा जाता है कि HCF को किस मेथड से फाइंड आउट करना है, बाय लिस्टिंग द फैक्टर्स. बाय लिस्टिंग द फैक्टर्स हमें HCF को फाइंड आउट करना है. इन द लास्ट लेक्चर आई टोल्ड यू अबाउट हाउ टू मेक द फैक्टर्स. ठीक है, हमें फैक्टर्स कैसे बनाने हैं और फैक्टर्स के बारे में और मल्टीपल्स के बारे में मैंने आपको बताया था. अब फैक्टर्स अगर आपको याद हो तो फैक्टर्स कैसे बनते हैं, मैंने आपको बताया था कि हर एक जो है नंबर के टू फैक्टर होते हैं, एटलीस्ट टू, क्योंकि एक तो वन होता है, ठीक है, और एक वो नंबर खुद होता है. इसके अलावा वो सारे नंबर जो उस नंबर पर डिवाइड हो जाते हैं. ठीक है, अगर आप लेक्चर रिकॉल करें तो आपको याद आएगा. ठीक है, इसी तरह हम 20 के फैक्टर पहले बनाते हैं. हम लेते हैं 20 1, जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये होता ही है, 2 भी होगा, 4 होगा क्योंकि 2 भी 20 पे डिवाइड हो जाता है, 4 भी डिवाइड हो जाता है, इसी तरह 5 होगा, 6 नहीं होगा, 6 में 20 नहीं आता, 6 के टेबल में 20 नहीं आता, या फिर आप यूं कह सकते हैं कि 20 6 पर डिवाइड नहीं होता. ठीक है, इसी तरह 7 8 9 भी नहीं होते. इसके बाद आएगा 10 एंड देन 20. दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 20. इन दिस वे 25. नाउ वी टेक द फैक्टर्स ऑफ 25 और 25 के जो फैक्टर्स होते हैं वो हैं 1 5 एंड 25. बिकॉज 10 भी नहीं होगा, 25 नॉट डिवाइडेड बाय 10. दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 20 एंड 25. हमने क्या किया, हम इस किस मेथड से हम कर रहे हैं, बाय लिस्टिंग द फैक्टर्स. बाय लिस्टिंग द फैक्टर्स हम फैक्टर्स को लिस्ट आउट करके उसके बाद इसमें हमने कॉमन राइट कॉमन फैक्टर्स लिए. मैंने लास्ट लेक्चर आपको बाय लिस्टिंग द फैक्टर्स जो है वो वाला मेथड बताया था. अब इसमें से देखिए हम कॉमन कौन से हैं. कॉमन फैक्टर्स हम यहाँ पे राइट करेंगे, कॉमन फैक्टर्स ऑफ 20 एंड 25. ठीक है, इस तरह से. नाउ टेल मी व्हाट इज कॉमन. 1 इज ऑलवेज कॉमन, 5 इज ऑलवेज कॉमन. नो, 5 इज नॉट ऑलवेज कॉमन, जस्ट 1 इज ऑलवेज कॉमन,
ठीक है, वो तो होते ही है, हर हर नंबर का फैक्टर वन जो है वो होते हैं, इसलिए वन तो कॉमन होता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास कोई भी फैक्टर कॉमन है, आप देख सकते हैं 25 यहाँ नहीं, तो वन एंड फाइव, वी कैन से वन एंड फाइव इज द कॉमन फैक्टर। ठीक है, और जब हमने इसको लेना है हाईएस्ट कॉमन, हाईएस्ट कॉमन जब हम लिखते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हमारे पास इसमें से हाईएस्ट कौन सा होगा? यस यू कैन सी 5 इज द हाईएस्ट कॉमन, ऑब्वियसली 1 इज स्मॉलर एंड 5 इज द हाईएस्ट। ओके, सो इस तरह से हम, ये वो मेथड होता है जिसको हम लिस्ट आउट करते हैं फैक्टर्स को और फिर हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। इसी तरह अब हम आते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। सो ये वाला मेथड हमने देख लिया कि कैसे इस मेथड के जरिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, इसी तरह बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब देखिए बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के जरिए हमने इसे कैसे सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक क्वेश्चन है, हमें क्वेश्चन मिलता है फाइंड एच सी एफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, अब हमारे पास नंबर हैं 24, 60, 84, नंबर गिवन है 24, 60 और 84, इनका हमने एचसीएफ फाइंड आउट करना है और किस मेथड से करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो स्टूडेंट्स हमने इसको फैक्टर्स, इनके फैक्टर्स लेने हैं, व्हाट इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, कि ब्रेक, हमने नंबर को ब्रेक करना होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये नंबर है, ठीक है, हमारे पास या फिर हमारे पास है 50, दिस इज अ नंबर। So what is prime factorization? Breaking the numbers into the factors is the prime factorization. हमने इन नंबर को prime factors में break down करें। अब हम इसको, इनको भी break down करेंगे। 24 को हम कैसे break down? इसका best way ये है, 24, अब देखिए हमने कोई ऐसा table लेना है, small table लेना है, छोटे से छोटा, जिस पर 25 divide हो जाता है। ठीक है, अब हम करेंगे, ऑब्वियसली वो टेबल है 2, 2, 1, 2, ठीक है, फिर 2 का टेबल हम पढ़ेंगे 4 तक। देखिए हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं 2, 12, 24, लेकिन आपकी कन्वीनियंस के लिए, आपकी आसानी के लिए मैं बता रही हूँ 2, 1, 2, 2, 2, 4। इसी तरह नेक्स्ट भी हमने इसको किस पर डिवाइड कर सकते हैं, कौन सा ऐसा छोटे से छोटा टेबल होता है जिसमें 12 आता है, यस 2 का होता है। ठीक है, इसी तरह हम इसको करेंगे 2, 6 और 12। नेक्स्ट 6, अगेन इट कुड बी डिवाइडेड बाय 2, 2, 3 और 6। ठीक है, अब दोबारा फिर हम इसको करेंगे, अब देखिए कौन सा टेबल है, 2 का तो टेबल पे 3 नहीं आता, कौन सा छोटे से छोटा टेबल है जिसमें 3 आता है। ठीक है, 3 का टेबल ही होगा, तो इसे करेंगे 3, 1, 3। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 1 आ गया। ठीक है, हमने इसको तब तक करते रहना, तब तक सॉल्व करते रहना जब तक हमारे पास यहाँ पर 1 नहीं आ जाए। इसी तरह नेक्स्ट 60, अब कौन सा ऐसा छोटा छोटा टेबल है जिसको जो 60 बड़ी डिवाइड हो जाता है जिसमें 60, ठीक है, वो है 2, 2, 3 और 6, क्योंकि 0 है, हम 0 को एज इट इज नीचे राइट कर सकते हैं। जरा ये 30 है, 30 भी 2 पे डिवाइड हो जाता है क्योंकि इसके एंड पे 0 है। ठीक है, अगर किसी भी नंबर के एंड पे 0 या कोई इवन नंबर हो, इवन ऑल द इवन नंबर्स कैन बी डिवाइडेड बाय 2, तो ये इवन है 30, तो अब इसको 2 पे डिवाइड कर सकते हैं। देखिए कैसे 2, 1 और 2, यहाँ पे 2, 1 और 2, यहाँ 3 का जो 1 बचेगा वो यहाँ चला जाएगा, है ना, नेक्स्ट नंबर में, तो 2, 1 और 2 और यहाँ आ गया 1,
ये बन गया 10, तो 2 5 जा 10, हमें इसे उनको राइट करने की जरूरत नहीं है, इस तरह से राइट करना है, ठीक है। 3 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10, 10 ये बन गया क्योंकि यहां से 1 यहां पे आ गया। नेक्स्ट अब 15, 15 इज नॉट द इवन नंबर, सो ये तो 2 पे डिवाइड नहीं होगा। 15 कम्स छोटे से छोटा ऐसा कौन सा नंबर जिसका 15 डिवाइड हो जाए। 3 3 5 जा 15। नेक्स्ट 5 तो किसी और के टेबल में आता ही नहीं है, 5 सिर्फ अपने ही सिवा किसी और के टेबल में नहीं आता, तो हम इसे राइट करेंगे 5 1 जा 5। तो सो स्टूडेंट्स इसी तरह हमने 24 को प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक डाउन किया, इसी तरह 60 को भी हमने ब्रेक डाउन किया, और सेम इसी तरह हमने 84 को भी प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक डाउन कर लेना है। 2 4 8 2 4 2 2 4 2 1 2, now this is not even number, cannot be divided by 2, so 3 7 21, again 7 can be divided by itself, okay students। Now we have the factors, prime factors, हम राइट करेंगे 24, this is 60 and 84, 60 and 84, ठीक है। अब हमने क्या किया, 24 के फैक्टर्स जो हैं हमने राइट कर लिए, 2 2 2 3, 2 into 2, आपके सामने 2 into 2, ठीक है, into 2 into 3। आप देखें यहाँ पे मैंने दरमियान में इनके मल्टीप्लीकेशन का साइन पुट किया है, ठीक है, साइन राइट किया है, आपने भी जरूर राइट करना है। बाजों का बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर कोमा राइट कोमा बना देते हैं, कोमा बिल्कुल भी नहीं यहाँ पे करना, इस तरह से उससे आपका गोम हो जाएगा, क्योंकि कोमा के साथ हमारा ये जो है ना वो रॉन्ग हो जाता है, ये मल्टीप्लाई है। इसी तरह यहाँ पे टू, आप ना ये देखेंगे कि जब आप इसको 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 24 ही आएगा। अगर आपने एक्सपेरिमेंट करना है तो मैं आपको करके दिखा देती हूँ। 2 2 4, 4 2 8, 8 3 24, आंसर इज सर 24 करेक्ट, ठीक है। इसी तरह अगर आप यहाँ पर कोमा लगाते हैं तो फिर तो आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते ना, तो इसलिए आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का साइन लगाया। इसी तरह यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, यहाँ पर भी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। चलो ये तो बेटा फैक्टर्स आ गए, ठीक है, ये हैं फैक्टर्स। अब इनको क्या करना है, कॉमन इनमें से हमें लेंगे, कॉमन कौन से हैं, कॉमन फैक्टर्स ऑफ 24 60 84। अब ये देखें तीनों में जो कॉमन है, दीज आर द कॉमन, 2 अगेन 2 3, इसमें है इसमें है इसमें भी है, ये देखें, ठीक है, दीज थ्री फैक्टर्स आर कॉमन, हम राइट कर सकते हैं यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, यहाँ पर भी आपने मल्टीप्लाई करके साइन करना है, तो कॉमन फैक्टर्स क्या आए, यहाँ पे आप मल्टीप्लीकेशन का साइन नहीं ऐड करेंगे, आपने यहीं पे करना है, यहाँ पे आपने कॉमन, क्योंकि यहाँ पे हम मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं किसी को, बिकॉज दीज आर द कॉमन, जस्ट कॉमन फैक्टर्स, ठीक है, ये हमारे कॉमन है। अब हमने इनमें से कौन से फैक्टर जो है क्या करना है, हमने हाईएस्ट कॉमन कौन से होते हैं, इनमें से आपने जो है ना इनका प्रोडक्ट राइट करना है, जब आपने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेंगे, ठीक है, जब आपने लेना ना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स, ठीक है, फिर आपने क्या करना है, द प्रोडक्ट 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। अब इसका प्रोडक्ट क्या है, 2 टू द 4 4 3 जार 12, सो दिस इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 12। इस तरह से आपने बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ये क्वेश्चन एचसीएफ फाइंड आउट कर लिया। होप यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट, मैं अभी आपको एचसीएफ के बारे में ही बता रही हूँ, नेक्स्ट लॉन्ग डिवीजन मेथड है वो इसका
एचसीएफ का लॉन्ग मीडियन मेथड होता है, वो आपने कैसे फाइंड आउट करना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ. फाइंड एचसीएफ बाय लॉन्ग मीडियन, ठीक है. जिस डिवाइजर से रिमाइंडर जीरो आ जाए,
वही डिवाइजर जो है वो एफसीएफ है। तो इसी तरह आप नेक्स्ट क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास थ्री नंबर्स हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे एक और नंबर है 4, 45, 55 कह रहे हैं आप, ठीक है। जब आप अगर आपके पास एक और नंबर है तो फिर आप नेक्स्ट इसका क्या करेंगे, फिर आप 4, 55 को अंदर रखेंगे और इसी नंबर से आपने दोबारा से इसका वही वाला ओल्ड प्रोसीजर स्टार्ट कर देना है। समथिंग यहाँ पे कुछ भी नंबर आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद माइनस करने से यहाँ पे कुछ नंबर आ जाएगा, फिर यहाँ पे जब 70 यहाँ आ जाएगा, इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे। और फिर लास्ट में जो आपका डिवाइजर आएगा, जिसका रिमाइंडर, जिससे रिमाइंडर जीरो आ जाए, वो आपका एचसीएफ। तो ये तो थे स्टूडेंट्स आपके थ्री मेथड, एचसीएफ बाय लिस्टिंग द फैक्टर्स, एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, एचसीएफ बाय लॉन्ग डिविजन मेथड। अब हम चलते हैं एलसीएम की तरफ। What is LCM? LCM means least common multiple. HCF का तो था ना highest common multiple, और LCM क्या है? Least common. Highest common multiple या least common? अच्छा, multiples highest common factors. इसका क्या factors है? Highest common factors. और ये है least common multiple. और multiples मैंने आपको बताया था कि multiples क्या होते हैं. For example, अगर हम 5 के multiples write करते हैं, multiples of 5. तो 5 में हम वही नंबर ऐड करते जाएंगे, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, ओके। इसी तरह अगर हम 10 का लेते हैं, 10 के मल्टीपल्स, तो 10 में अगर हम 10 ही ऐड, यही नंबर हमने उसमें ऐड करना है ना, तो ये आ जाएगा 20, 30, 40, 50, 60 एंड 100, ठीक है। ये मल्टीपल्स यूँ चलते रहते हैं। अब हमने क्या करना है, हमें कॉमन जब लेनी है यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज में यहाँ पे है आपका मेथड दिया हुआ है एलसीएम का जी। एक्सरसाइज नंबर 2 लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि मैंने आपको एक्सरसाइज नंबर 2 जो है ना वो नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगी, तो देखिएगा एक्सरसाइज नंबर 2। ये मैंने आपकी लास्ट लेक्चर में स्किप कर दी थी क्योंकि हमारा उसका टॉपिक तो मल्टीपल ऑफ फैक्टर्स का और एचसीएफ का था। अच्छा, अब इसी तरह ये बाय लिस्टिंग द मल्टीपल्स करके, तो देखिएगा ये मैंने मल्टीपल्स 5 के भी राइट कर दिए और 10 के भी राइट कर दिए। अब हमने क्या करना है, कॉमन लेने हैं। हम इसमें से कॉमन ले लें क्या, 20, ये देखें 20, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास 30, इसके बाद हमारे पास 40 भी कॉमन है, ठीक है। ऐसे अगर हम नेक्स्ट चले तो हमें पता चल जाएगा कि ये मल्टीपल जो है ना ये वाला कॉमन है, ठीक है। लेकिन हमें इतना आगे जाने की जरूरत नहीं है, वो क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने लीस्ट कॉमन मल्टीपल लेना है। दीज ऑल इसमें बहुत सारे कॉमन आएंगे, लेकिन हमने कौन सा लेना है, लीस्ट जो सबसे पहला सबसे छोटा होगा, लीस्ट मतलब छोटा, ठीक है, ये लेना है। इसका मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ओके, हमने लेना है छोटा। और यहाँ पे आएगा LCM is 20, this is the least common multiple. ये next method आपका हो गया, इससे LCM कैसे find out करने है by listing the multiple, तो ये method. Hope to understand students, next method पे आ जाएं आप, prime factorization method. ये बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने इस तरह से किया था, लेकिन इसमें थोड़ा सा एक्सरसाइज आपको मैं बता दूंगी कौन सी है। इसमें आती है एक्सरसाइज, एक्सरसाइज नंबर 7, ये देखें एक्सरसाइज नंबर 7, फाइंड द एलसीएम ऑफ दिस नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अभी हम डिवीजन मेथड और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करेंगे, ठीक है। इसमें क्या है, मैं
मैं आपके सामने एक क्वेश्चन राइट करती हूँ 24, 30 एंड 70। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है क्वेश्चन, हमें इसकी जो है ना इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना है, ठीक है। इसमें एट भी शामिल कर देते हैं, हमारे पास एग्जाम्पल गिवन है, ठीक है। इसके बाद हम इसको जब सॉल्व करेंगे बेटा, तो आपके सामने उसी मेथड से ये सॉल्व करेंगे। 2, 4 जा 8, सबसे छोटे से छोटा टेबल है ना इस पर डिवाइड हो जाए, 2 2 जा एंड 2 1। देखें ये आ गया हमारे पास 8 के 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। इसी तरह हमारे पास आ जाएंगे 24 के 8 और 24 के 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। ये आ गए, इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास 30 के आएंगे, ठीक है। इसको भी हम यहाँ पे राइट कर लेंगे 30 के 70 की भी राइट कर लेने हैं, तो ये मैं कर रही हूँ जल्दी में क्योंकि मेरे पास टाइम शॉर्ट है। आपने इसको प्रॉपर जब मैंने आपको पिछले इसमें अंडरस्टैंडिंग दे दी है, जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि ये कैसे करना है, और ये इतना डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी है, इसीलिए मैं आपने इसको करते जाना है, ठीक है। ये आपने कर लिया, अब आपने क्या करना है, आपने इसमें से जो कॉमन है वो आपने राइट करना है, ठीक है। मैं यहाँ पे राइट कर देती हूँ, देखिए कॉमन मल्टीपल्स कॉमन फैक्टर्स है, ठीक है। इसमें से कौन से कॉमन है, आप ये देखें, ये 2, फिर इसमें मैंने राइट कर दिया 2, ठीक है। अब आप देखते हैं इसमें 2 नहीं है और मजीद, ठीक है। फिर इस जस्ट मेरे पास 4, अब हमने ये देखना है कि हमने इस ये भी तो देखते हैं स्टूडेंट्स, ये देखें ये कॉमन आया, ये कॉमन आया, जरूरी नहीं है कि वो ऐसा हम ले जो सब में कॉमन हो, ठीक है। अब हमारे पास ये 3 आया, जस्ट 2 में भी अगर वो कॉमन है ना तो हमने उसको जो है वो सर्कल कर लेना। इसी तरह ये 5 है, ठीक है। अब आप देखें कि हमने वो कॉमन वाले जो जितने भी नंबर थे यहाँ पे राइट करने के, पहले 2 राइट किया, फिर ये 2, ये वाला 2, ठीक है। इसके बाद ये 3 और ये 5, और फिर हमने रिमेनिंग भी सारे कर दिए, जितने रिमेनिंग है ना वो भी राइट। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक दूसरे के साथ तो हमारे पास जो आंसर आएगा, देखिए जैसे 2 2 4 4 2 8 8 3 12 12 5 10 60, इसके बाद जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 8 4। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, LCM, ठीक है। इसको हम कहते हैं LCM, ये हम LCM फाइंड आउट करते हैं स्टूडेंट्स। ये जो मेथड है ना इसको कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ये LCM ऐसे हम फाइंड करते हैं। उसमें क्या करते हैं, एक्सीएम पे मेथड ही होता है ये सारा, इस तरह से फैक्टराइज करते हैं नंबर्स को, ब्रेक डाउन करते हैं फैक्टर्स में, इसमें भी वही है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे आके प्रोसीजर चेंज होता है, वहाँ पे सब में जो कॉमन आते हैं वो राइट करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे कोई से भी 2 में भी आ जाए ना कॉमन, जैसे ये इस 8 ए जो 2 है ये वाला 2 हो गया, ये जस्ट 8 और 24 में कॉमन है, तो उसको भी हमने राइट कर, फिर जो रिमेनिंग होते हैं हमने उसको भी राइट कर दिया, और फिर उसको मल्टीप्लाई करके उनका प्रोडक्ट जो आता है वो आता है लीस्ट कॉमन मेथड, उसे कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा लास्ट फाइनल डिवीजन मेथड रह गया, ये मेथड भी हम सॉल्व करते हैं, तो कैसे है वो बहुत इजी है बेटा, उसको भी मैं आपको बता देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमने यही वाले नंबर लिए 8, 10, 24, 30, ये वाले लिए थे 8, 10, 20,
430, ठीक है, इसको हमने एक ही जगह पे रख के फैक्टर जो है वो करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं फैक्टर्स में। देखें मोस्टली ये किस में डिवाइड होता है, टू पे, टू फोर जो 8, टू फाइव जो 10, हमने ऐसा टेबल लेना है जिसमें ये सब मोस्टली हो जाए, ठीक है। इसी तरह 12 जो 24 एंड 2 15 जो 30, अगेन ये भी 2 में जा सकता है, ये भी 2 पे जा सकता है, लेकिन ये दोनों 2 पे ही जाओ, ओके। 5 ऐसे ही 2 6 12 15 हमने एज इट इज उतार लेना है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम ऐसे करते हैं कि 2 को रहने देते हैं, अब हम इसको 5 को 5 को भी 5 पे ये भी जा रहा है और ये भी जा रहा है, बल्कि 2 को पहले करें, टू वन जर टू, फाइव एज इट इज, टू थ्री जर सिक्स और ये 15 एज इट इज, ठीक है। इसके बाद ये देखें आप, थ्री तो एज इट इज है, फाइव पे जाएगा क्योंकि ये भी फाइव पे जा सकता है और ये भी फाइव पे डिवाइड हो सकता है, इसलिए हम इसको थ्री को नहीं लेंगे, हम फाइव को लेंगे। फाइव वन जर फाइव, थ्री रिमेनिंग एज इट इज उतार लेंगे और फाइव थ्री जर 15, ठीक है। नेक्स्ट अब हम थ्री पे भी कर सकते हैं, थ्री वन जर थ्री, थ्री वन, आप ये देख रहे हैं हमारे पास ये वाले नंबर आ गए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सिंपली इनका प्रोडक्ट ले लेंगे, एल सी एम इज इक्वल टू टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई, ठीक है। फाइव पहले थ्री को कर ले या फाइव को बाद में कर ले, ये कोई बेटर नहीं करता, हम इसको थ्री राइट करके फाइव भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टू टू जर फोर, फोर टू जर एट, एट थ्री जर 24 एंड 24 फाइव जर 120, दिस इज द फाइनल हमारे पास एलसीएम। तो इस तरह से स्टूडेंट्स मैंने आपको ये तमाम मेथड जो है ना एक्सप्लेन कर दिए डिटेल में, मुझे जो है वो बहुत उम्मीद है कि आपने एचसीएफ का भी तमाम मेथड तीनों फिनिश कर अंडरस्टैंड कर लिए होंगे और एलसीएम के भी। अगर आपने ये सारे मेथड आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई है तो इसका मतलब ये है कि आप ये पूरा चैप्टर जो है, पूरा यूनिट जो है वो इस लेक्चर के थ्रू अंडरस्टैंडिंग करने के बाद आप इसे कम्प्लीट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा लेक्चर खत्म होता है, एक्सरसाइज 10 तक, एक्सरसाइज 9 तक आपने इसको कम्प्लीट कर लेना है, ठीक है। इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है। और स्टूडेंट्स आपको मैं होमवर्क बता दूं, आपका होमवर्क ये है, प्रैक्टिस ऑफ एक्सरसाइज 6 to 9 फ्रॉम यूनिट नंबर 3। लास्ट आपका जो होमवर्क था वो प्रैक्टिस 1 to 5 थी और आज 6 to 9 है, तो आपने पूरा चैप्टर कंप्लीट करना है, एक्सरसाइज 6 to 9 की अच्छी सी प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको जूम लेक्चर में कोई प्रॉब्लम आया है, कोई नेट का इशू आया है, तो आपने क्या करना है, अपने यूट्यूब पे हमारे लेक्चर अवेलेबल है, वो आपने लेक्चर लेने हैं, वहाँ से भी आप अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं। और हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा बड़े वीडियो आ सकें। एंड इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी, अल्लाह हाफिज़।